आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा है। साथ ही बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम किया। वहीं आज के सभा में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी और विपक्षियों पर जमकर अपना भड़ास भी निकाला। विशेष जानकारी के लिए चलिए चलते हैं पटना संवाददाता के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़, मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है और इस जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक सभा रखी गई थी, जिसको कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तमाम जितने नेता हैं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, वो ये तमाम नेताओं ने उनके जीवन चित्र को दर्शाते हुए देश के लिए नरेंद्र मोदी के त्याग को बताया। आपको मैं बता दूं, जैसा आज का दिन है, आज सेवा पखवाड़ा रक्तदान शिविर भी आयोजित की गई है। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए इस तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ रक्तदान शिविर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, और दोनों तरफ इस रक्तदान शिविर के साथ साथ आज जो यहाँ समारोह किया गया था, उस पे जो उप मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी, वो विपक्षियों को घेरते हुए करारा ये प्रहार किया है। और साथ ही साथ आपको सम्राट चौधरी के एक वक्तव्य में ये भी सुनने को मिलेगा कि अरविंद केजरीवाल के आज जो इस्तीफा की करना था और नए संगठन की और मजबूती की बात करनी थी, उस पर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा कि वो निर्लज्ज है, बेशर्म है, उन्हें शर्म नहीं आती है। तो वैसे लोग को वो दारू माफिया है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि उस हिसाब से उनकी जो सरकार है वो कभी नहीं चलने वाली है। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले उनके इन सारी वक्तव्य को सुनिए। यादव हो, राहुल गांधी हो या लालू जी का परिवार हो, ये लोग 5 दिन जनता के बीच में जाएंगे और 25 दिन यात्रा करेंगे विदेशों में। किसी को कहते अब 2 महीने में चुनाव का घोषणा होना है और ये नियम कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि आप 6 महीने के पहले एक तरह से इलेक्शन कमीशन के अधीन होता है चुनाव। ये नाखून कटाकर शहीद होना है। केजरीवाल का मतलब है भ्रष्टाचारी, शराब बेचने वाला मुख्यमंत्री, और जेल में रहकर भी ये लालू जी से भी ऊपर है। लालू जी को हम लोग देश का भ्रष्टम नेता मानते थे, आज केजरीवाल इतना बेशर्म मुख्यमंत्री है कि जेल के अंदर रहकर मुख्यमंत्री रहे और जेल के बाहर आकर अब ड्रामा कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री पद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और लगातार इस देश को मजबूत स्थिति में पहुंचाने वाले, जिनकी धार पूरी दुनिया देख रही है, भारत तो खड़ा हो ही रहा है, दुनिया में भारत का गौरवशाली इतिहास स्थापित हो रहा है। मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को शुभकामना भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और उनसे कामना भी करता हूं कि ये भारत जिस तरह आज से लगभग 100 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद जी जब इस देश में 30 वर्ष की आयु में दुनिया में जा गए तो ज्ञान का सागर लेकर जाने का काम किया, और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब दुनिया में जा रहे हैं तो जो गौरवशाली इतिहास आज से 2000 वर्ष पहले इस भारत का, मगध का था, उस गौरवशाली इतिहास को लौटाने का काम। आपने सुना सम्राट चौधरी ने किस तरह से विपक्षियों को घेरते हुए अपनी बात रखी और नरेंद्र मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि देश को विकास के पथ पर नरेंद्र मोदी ने लाया है। साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी अपनी बात रखी और नरेंद्र मोदी को शुभकामना दी और विपक्षियों पर उन्होंने भी निशाना साधा है। सुनिए क्या कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, सेवा
पखवाड़ा का शुभारंभ भी है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा स्वरूप, जिनकी भविष्यवाणी 19वीं सदी में हुआ था कि 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, और आज 21वीं सदी के भारत के नए निर्माता सृजनकर्ता विश्वकर्मा का संतान के रूप में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आज उसके प्रति समर्पित है, जिसको लोग मजदूर करके मजबूर बनाता था, उसका नाम श्रमिक कर करके सृजनकर्ता निर्माता विश्वकर्मा का संतान, श्रमिक का सम्मान, राष्ट्र का उत्थान का भाव आज समाज के अंदर और राष्ट्र के अंदर स्थापित किए हैं। माँ भारती के संतानों को जो इस धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का, सबका उत्थान और कल्याण का संकल्प प्रधानमंत्री जी का है। तो आपने सुना, विजय सिन्हा ने भी अपनी बात को रखा और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है जायसवाल जी, उन्होंने भी अपनी बात रखी और नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी है उनके जन्मदिन पर। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को हम लोग आज अटल सभागार में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में हमारे दोनों पूर्व के वक्ता और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री ने आपको विशेष तौर पर बताया कि पूरे दुनिया के अंदर अगर भारत का डंका बजाने वाला कोई नेता आज इस लोकतंत्र को नेतृत्व कर रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो ये शिविर है, इस रक्तदान शिविर के साथ साथ ये फुल चेकअप का भी शिविर है और इसके साथ साथ सेवा पखवाड़ा रक्तदान शिविर को आज मनाया गया, और उस हिसाब से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर केक भी काटा गया था, केक भी यहाँ काटा गया, बड़े बड़े लड्डू भी बांटे गए और इस हिसाब से उनकी जन्मदिन को यादगार बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पटना में। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।